नमस्कार गाइस एंड वेलकम एंड वेलकम। देखें इस वक्त मैं लाइव मार्केट से लाइव वीडियो बना रहा हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर टुमारो के लिए, जी हां 11 नवंबर के लिए। तो यहां पर मार्केट में क्या एक्शन देखने को मिला, देखिए सबसे पहली बात बता देता हूं, जो आप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट में देखते हैं, मतलब चार्ट और पैटर्न ढूंढा करते हैं ना, तो आज एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आया मुझे, जिस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर्स। ये हेड एंड शोल्डर मतलब, तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप ड्रॉ करके, तो ये एक बोल सकते हैं कि तकरीबन इस एरिया में ये हेड बना था इस एरिया में, और मार्किंग कर लेते हैं, तो देख सकते हैं स्क्रीन पर हेड और इस तरीके से के शोल्डर बनाने की कोशिश चल रही है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। मगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के लिए निफ्टी को गैप अप खुलना पड़ेगा 18125 के लिए। एक्सपेक्टेड मार्केट शुक्रवार के दिन मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है, इसके बाद ही ये पैटर्न कन्फर्म होगा कि मार्केट में ये पैटर्न कन्फर्म होगा, तब जाके निफ्टी फिर यहाँ से इस स्तर से तकरीबन 18130 के आसपास से यदि आपको रजिस्ट करता हुआ नजर आए और यहाँ से गिरता हुआ नजर आए सेकेंड टाइमिंग और ये लो तोड़ दे, तो 100% समझ लीजिएगा कि बड़ी गिरावट आएगी। और ये बड़ी गिरावट को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि आपको एग्जैक्टली हमारे पास सिग्नल आ चुका है एल्गोरिदम पर, जी हाँ इस एल्गोरिदम पर सिग्नल आ चुके हैं कि 18050 निफ्टी 18030 आना चाहता है, इस लेवल के करीब करीब आना चाहता है। तो हो सकता है कि आपको मार्केट में कल के दिन एक स्विंग करता हुआ नजर आ जाए, या थोड़ी देर में अभी थोड़ा हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है और फिर मार्केट आपको गैप डाउन देखने को भी मिल सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको मार्केट कल के दिन, एक तो लेवल है हमारा 17970 का, यदि ये लेवल ब्रीच हुआ तो आपको तकरीबन 17900 के लिए और फिर 17830 के लिए तकरीबन गिरावट दिखा सकता है निफ्टी। और अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम पर ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सिग्नल आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के, और निफ्टी के चार्ट पर सिग्नल आ चुके हैं, चार्ट पर सिग्नल आ चुके हैं कि 10 नवंबर को 11:15 पर बेचने का सिग्नल आ चुका है निफ्टी को शॉर्ट टर्म के लिए, जी हाँ शॉर्ट टर्म में बेचने का सिग्नल जनरेट हो चुका है। और जैसे ही ये सिग्नल कंफर्म हो जाएगा 17973 पर, जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा तब निफ्टी 101% 17834 के लिए और तकरीबन 17800 के लिए गिरता हुआ नजर आएगा, और एक यहाँ पर ही एक सपोर्टिंग जोन बनता हुआ नजर आएगा आपको इस एरिया में ही कि 17840 से लेकर 800 के आसपास एक अच्छा सपोर्टिंग जोन है। तो इस एरिया में आप प्रॉफिट वापस से आप कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, और ऊपर इस तरह से आप पुट ऑप्शंस यदि कैरी फॉरवर्ड लेकर जा रहे थे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका है प्रॉफिट बनाने का। 18100 का तकरीबन आप पुट ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड लेकर जा सकते हैं, और टारगेट आपको 17900 के और 17830 से लेकर 800 के टारगेट के लिए काम करना है। यहाँ पर 1 से 2 दिनों में तकरीबन आपको ये गिरावट देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ पहले, और यह हेड बन चुका है और इसके बाद ये शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर यह पैटर्न पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न में है और अभी भी बाइंग के सिग्नल में ही है, बट जैसे ही बैंक निफ्टी, यदि अब बैंक निफ्टी 41,300 के नीचे आ जाएगा, 350 के नीचे आ जाएगा, 41,350 के लेवल के नीचे आएगा, तो यहाँ से एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि आपको गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी में 41,000 तक की और 40,800 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। और अमेरिकन स्टॉक मार्केट इस वक्त 60 पॉइंट प्लस चल, मगर डेली चार्ट पर यहाँ पर एक सपोर्टिंग जोन है और ये सपोर्टिंग जोन हो सकता है कि आज के दिन आपको ब्रेक होता हुआ नजर आ जाए और डाउ जोन्स भी आपको इस लेवल के करीब गिरता हुआ नजर आ सकता है, यही एक सपोर्ट लेवल इसके बाद का, क्योंकि यदि एक सपोर्ट लेवल टूटा जो आज के दिन का है 32,588 का, तो अब आपको सिर्फ 32,000 तकरीबन 500 पॉइंट और नीचे गिरावट दिखा सकता है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन गैप डाउन खुल सकते हैं, अलर्ट में मोड में काम कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस, ऑप्शंस ट्रेडिंग में देख सकते हैं कि हमारी ऑप्शंस ट्रेडिंग में फिर से हुआ रॉकेट, 18,000 का कॉल ऑप्शन हमने रिकमेंडेशन किया था स्क्रीन पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है,
ये 18,000 का कॉल ऑप्शन था, जो तकरीबन हमने 16 रुपये से खरीदने को कहा था 14:56 पर, और यह 16 रुपये का ऑप्शन 32 रुपये और इससे ऊपर जा चुका है अभी फिलहाल तक। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सिग्नल जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।